तो इसमें ए है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको देख सकें। हेलो तो बात कर रहे हैं इसमें हम कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 85, 25, 65 इस तरह से कुछ टाइप कर रखा है, इसको सम करना है। तो सम करने के लिए हम सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगाएंगे और डेटा को सिलेक्ट करते अच्छा हैं। आप इसके जगह पे जस्ट ऑल्ट इक्वल कर सकते हैं, या ए जो सम का फॉर्मूला सम ऑफ कोस साइन दिख रहा है इस पे जाके सम पे क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सम लग जाए। यहाँ ये क्या है आपका सम, जिसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट सम इक्वल दिख रहा है, ऑल टेक ऑफ इसका है हाँ शॉर्ट फॉर्म। ऑल्ट इक्वल दिख रहा होगा वो कर्सर के पास में आपको। अब एवरेज करना है तो क्लिक करके एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। काउंट नंबर करें काउंट नंबर हो जाएगा। तो ये इसका फायदा क्या होता है कि अपने आप फॉर्मूला लगा के रेफरेंस सिलेक्ट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और कुछ खास इसमें नहीं है। दूसरा आता है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, राइट। अब प्रॉब्लम है कि मुझे एक जगह पे नहीं कई सारी जगहों पे लगाना है, तो इसके क्या तरीके हैं? नहीं, इसके दो तीन तरीके हैं। जैसे आपने लगा लिया फॉर्मूला, एक एरिया को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आता है फिल, फिल डाउन, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, दिख रहा है आपको कंट्रोल प्लस डी। तो मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगा तो ऊपर की सारी चीजें नीचे आ जाएगी, और कंट्रोल आर करूंगा कंट्रोल प्लस डी फॉर डी। आप माउस पॉइंटर को देखिए ना, माउस पॉइंटर पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल आ गया आपको फिल बी। डाउन कंट्रोल प्लस डी, और राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, डी फॉर डाउन आर फॉर राइट। तो ये क्या करता है कि सिलेक्टेड जो भी आपका सिलेक्ट, से मैंने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है जो पहला सेल है ना, उसकी फॉर्मूला या उसकी वैल्यू या उसकी फॉर्मेटिंग को वो क्या करता है, और नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट कर देता है। और राइट में करें तो सेम आपका पहला, ये आपका जो पहला कॉलन सेल रो सिलेक्ट है उसको राइट कर देता है। समझ गए? इसमें ऑफ भी है कि आप जो है उसको जो नीचे है उसको ऑफ में ले जाना हो तो यहाँ पे ऑफ आ जाता है, यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। राइट में ले जाना, लेफ्ट में ले जाना हो तो लेफ्ट, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मैनुअली यहाँ से करना। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आपको एक एरिया में कोई फॉर्मूला या कोई डेटा डालना है, आप टाइप कर रहे हो तो आप एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेक्शंस के अंदर भी आप जो है कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई या कोई टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने रैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉर्मल एंटर प्रेस करूंगा, नहीं कंट्रोल एंटर। नॉर्मल प्रेस करेंगे तो बस एक सेल में टाइप होगा, बट आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पूरे के पूरे सिलेक्टेड एरिया में वो डेटा वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाए। समझे कि नहीं? देखिए, एक एरिया लिया, मैं इसमें सारे में 500 टाइप करना है, तो आप मेरे पास तीन तरीके बताए आपको। पहला तरीका है कि 500 को लीजिए कॉपी करके चारों तरफ पेस्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप 500 लिख के कंट्रोल डी कंट्रोल आर कर दीजिए सिलेक्ट करके। तीसरा तरीका है कि आप सिलेक्ट कीजिए 500 लिखिए, ठीक है, और यहां पे हम एंटर मारेंगे तो जस्ट एक जगह सेल पे टाइप हुआ हुआ ना सर। लेकिन अगर मैं 500 लिख के कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो सिलेक्ट एरिया में वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल एन
कंट्रोल एंटर, एन नहीं, एंटर, एंटर, समझ अच्छा गए? क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, अब यहां पे हम बात करते सीरियल नंबर। आपको सीरियल नंबर लगाना हो तो 1 2 लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं और आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। लेकिन अगर आपको माउस से ना बनाना हो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए यहां सीरीज के, यहां पे सीरीज का ऑप्शन आता है, सीरीज का ऑप्शन। सीरीज ऑप्शन पे आप जाते हैं तो यहां पे आता है स्टेप वैल्यू, यहां पे आता है स्टॉप वैल्यू। जैसे मुझे मान लीजिए 10 तक की सीरियल बनानी है तो 10 करके ओके किया, देखिए 10 तक की सीरियल बनी। अब इसमें स्टेप वैल्यू क्या होता है, एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैंने 2 का डिफरेंस कर दिया तो ये अब और नंबर आएगा, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। और एक चीज आपने देखा, मैंने सिलेक्शन यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं, स्टॉप वैल्यू नहीं किया था, तो क्या हुआ कि जितना एरिया सिलेक्टेड था ना उतने पे आपका सीक्वेंस लग गया। इसी में अगर मैं ग्रोथ कर दिया तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ना। जो ग्रोथ मतलब क्या होता है? नहीं, लीनियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, इसका मतलब सर आवाज कट रहा है। लीनियर, लीनियर, ये लीनियर है ना ऊपर में, लीनियर का मतलब होता है एक सिक्वेंसली, एक सिक्वेंस में, मतलब एक फिक्स अंतराल पे आगे बढ़ना। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। अच्छा, ग्रोथ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मैंने कुछ दिन पहले ही बेटा का बुक में देखा था इसलिए मुझे याद है, उस दिन से पहले याद नहीं था मुझे, पर बेटा के बुक में देखा था, पता चला अच्छा ग्रोथ का मतलब मल्टीप्लाई होता, दो से मल्टीप्लाई कर देगा, 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 16, 24, 22, 64, 128, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, लेकिन इस सब का यूज नहीं होता ऑफिस में। ऑफिस में यूज होता है डेट का। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 अगस्त के डेट को ही नीचे की तरफ ड्रैग किया, सिक्वेंसली आ रहा है ना, बट मुझे सिक्वेंसली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वीक डे, सैटरडे एंड संडे में स्किप करना चाहता हूं। तो इसके लिए यहाँ सीरीज के अंदर ऑप्शन होता है। सीरीज में आप यहाँ डेट में डे करेंगे तो नॉर्मली जो ड्रैग करते वही आएगा, वीक डे करते हैं तो क्या होगा, ये होगा आपका इस तरह से, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गायब है। इसी तरह से सीरीज के अंदर हम बात करते हैं मंथ, ये मंथली आएगा, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, और ईयर कर देंगे तो जाहिर सी बात ईयर वाइज आएगा। क्या ये सीरीज था? सीरीज समझ में आ गया? हाँ सर, सीरीज समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जस्टिफाई। हालांकि जस्टिफाई का यूज हम नए एक्सेल में अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके लिए नया फीचर आ गया। जैसे कि मुझे ये जो नाम का लिस्ट है ना, मुझे एक दूसरे को आपस में क्या करना है, कंबाइन करना। हालांकि एक्सेल में आप देखेंगे कॉनकैटा नेट का एक फॉर्मूला होता है, दिख रहा है? कॉनकैटा नेट फॉर्मूला क्या करता है, दो सेल वैल्यू को आपस में ज्वाइन करता है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, पूजा, मोहन, कथा एक सेल में दिखेगा।
अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके बीच में कुछ सेपरेटर दे दीजिए, स्पेस कॉमा, तो भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाल लेना, मतलब कि आपको सिक्वेंसली कॉमा कॉमा करके सारे चीज डालने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जब आपके पास डेटा 100-200 हो। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं, हम कॉलन को बड़ा करते हैं, बड़ा कर लिए कॉलन, फिर अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई करते ही एक सेल में वो कंबाइन हो जाता है, स्पेस इसका सेग्रीगेशन होता है। आप स्पेस को रिप्लेस करके आप कुछ भी कर सकते हैं ना, कॉमा डैश कुछ भी दे सकते हैं क्या मैम? एक मैं एक बार और दिखाता हूं आपको, कॉलन को बड़ा करना, लेकिन ध्यान रखिएगा ठीक जस्टिफाई का काम ये नहीं है कि सारे सेल को एक सेल में मर्ज करना, तो कॉलम के साइज के हिसाब से जितना आएगा उतना एक सेल में मर्ज कर देगा, बाकी को नीचे डाल देगा। अच्छा ठीक है तो अब कॉलम बड़ा कर दीजिए, अगर आपका टेक्स्ट उसमें आने लायक है तो क्या करेगा, पूरा इकट्ठा कर देगा, ठीक और आप वापस तोड़ना चाहते हैं तो कॉलम को छोटा कर दीजिए और फिर इसको जस्टिफाई जस्टिफाई कर दीजिए। हो गया? तो आपको सेपरेट करना, ज्वाइन करना दोनों एक ही फॉर्मूला से, एक ही तरीके से होता है, वो होता है जस्टिफाई। समझ में आया जस्टिफाई? कोई दिक्कत? क्लियर है जस्टिफाई? अब हम बात करते हैं फ्लैश फील। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए देखिएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने कुछ नाम लिखता हूं कि पूजा सिंह, मोहन शर्मा, कविता सिंह, ऐसे कुछ नाम है, मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना चाहता हूं। द फर्स्ट नेम इज द लास्ट नेम, ठीक है? तो इसके लिए बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, आप यहाँ पे पूजा को लिख दीजिए एक सेल में, चाहे नीचे कितना भी क्यों ना हो, तीन ही है ना, हो सकता है कि 300, 3,000 या 3 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है? एक बार इस तरह से पूजा लिख दीजिए, मतलब कि जिसको अलग करना है ना एक सेल में लिख दीजिए और यहाँ फ्लैश फिल कर दीजिए, ठीक है? फ्लैश फिल, फ्लैश हाँ। ऐसी तरह से अगर यहाँ पे सिंग करूँ और मैं सिलेक्ट करके फ्लैश फिल करूँ तो फ्लैश फिल हो जाएगा। हो गया फ्लैश फिल? ऐसे मान लीजिए कि डेट डला हुआ है, मतलब कुछ भी अलग कर सकते हैं, नॉट ए मत ये आपका कि आप नेम ही अलग कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये है, मुझे इसमें से मंथ अलग करना, बस अगले सेल में आपको टाइप कर देना है क्या है। फ्लैश फिल क्या करेगा, इस सिलेक्टेड सेल को समझेगा और समझ के इसमें इसको चेक करेगा कहाँ कहाँ है, और जिस पोजीशन से वो यहां मिलेगा वो बाकी कॉलम को उसी हिसाब से अलग कर देगा, एकदम इंटेलिजेंट की तरह। समझ गए? हाँ, दिख रहा है? अब मान लीजिए मुझे इसमें से टू अलग करना है, तो टू को सेलेक्ट किया और टू का उसने पोजीशन देख लिया कि दूसरे नंबर पे है ना, अब फ्लैश क्लिक करेंगे सबका दूसरा पोजीशन 3, 4, 5, 2 अलग कर दिया। तो इस तरह से किसी भी चीज को आप अलग कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब आप बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन, फ्लैश क्लिक के बाद लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है क्लियर का। क्या है? क्लियर, और जैसे कि क्लियर ऑल कर देंगे तो सब कुछ साफ इरेज हो जाएगा, एकदम रबर की तरह काम करेगा। लेकिन मैंने अगर फॉर्मेट किया तो जो फॉर्मेटिंग होता है, तो फॉर्मेटिंग क्या होता है, कलर होता है, बॉर्डर होता है, फॉन्ट होता है, साइज होता है, अलाइनमेंट होता है, ये सब होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर में सिर्फ कंटेन करते हैं तो नॉर्मल जो डिलीट का प्रेस बटन प्रेस करते हैं ना, यहाँ पे डेल लिखा हुआ ही ब्रैकेट में दिखा होगा आपको, वही काम।
ठीक है, ऐसी कमेंट कमेंट से कमेंट कर देता है, कमेंट नोट्स कर देता है, हाइपरलिंक कर देता है, ये चीजें क्लियर करने का, मैं साफ सफाई करने का काम करता है। तो आज हमने तीन ऑप्शन के बारे में सीखा। पहला सीखा हमने ऑटो शॉप, सम सीखा, सम सीखा हमने, दूसरा हमने सीखा फिल, फिल में हमने फ्लैश की स्पाइस सीरीज और बाकी चीजों के बारे में सीखा, और तीसरा हमने सीखा क्लियर। अभी तीनों को प्रैक्टिस कर ले, किसी तरह का दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा, हम आपको फोन पे समझा देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, प्रैक्टिस करके कल हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टर पे। ये छोटा मोटा टॉपिक है, इसमें कुछ काम नाम नहीं दे रहा, कल की टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग पे मैं डबल क्लिक करूंगी सर तो मेरा सेव हो जाएगा, जूम जैसे क्लोज होगा अपने आप आपका कन्वर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप इंतजार कीजिएगा, कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली फोल्डर खोल देगा, जैसे यहाँ पे देखिए फोल्डर खोल गया। ठीक है, ठीक है सर।